तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स, और आज हम क्वांटम मैकेनिक्स में 9 दिसंबर 2016 का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन पार्ट बी का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। कंसीडर द ऑपरेटर फाई इज इक्वल टू दिस, वेयर पी इज द मोमेंटम ऑपरेटर, ए इज द वेक्टर पोटेंशियल एंड क्यू डिनोट द इलेक्ट्रिक चार्ज। इफ वी डिनोट्स द मैग्नेटिक फील्ड, तो द जेड कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ऑपरेटर फाई क्रॉस फाई इज, ऑप्शंस आर 1, 2, 3, 4। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में यहां पर आपको एक ऑपरेटर फाई दिया हुआ है, जिसकी वैल्यू हमारे पास है पी माइनस का क्यू ए। यहां पर पी आपको मोमेंटम ऑपरेटर दिया हुआ है, ए आपको यहां पे वेक्टर पोटेंशियल दिया हुआ है, क्यू यहां पर आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज है, और बी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। तब आपको यहां पर वेक्टर ऑपरेटर फाई क्रॉस फाई का आपका जेड कंपोनेंट बताना है क्या होगा। ऑप्शन है हमारे पास 1, 2, 3, 4। तो फ्रेंड्स, आइए इस क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे को टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तो जल्दी से मेरे को टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए। आप क्या करेंगे, आप मेरे को टेलीग्राम पर फॉलो करेंगे। तो फ्रेंड्स, टेलीग्राम पर फॉलो करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस पोटेंशियल जी को यहां पर सर्च करना है और देन उसको सब्सक्राइब करना है। तो ये मेरा टेलीग्राम का आपका हैंडल नेम है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ये जो आपका क्वेश्चन है, आप इसको क्वांटम मैकेनिक्स में भी डील कर सकते हो, और आप यहां पे इस क्वेश्चन को ईएमटी में भी, यानी कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी आप इसको कंसीडर कर सकते हो। दोनों के लिए ये क्वेश्चन आपका परफेक्ट है। तो अब हम आपको क्या लिखते हैं कि यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, यहां पे आपको फाई ऑपरेटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहां पे लिख लेते हैं अपना फाई ऑपरेटर। तो फ्रेंड, जो आप यहां पे आपके पास क्या है, गिवन दैट। तो गिवन दैट में हम लिख लेते हैं कि आपको क्या दिया हुआ है, फाई ऑपरेटर। ये आपके पास एक फाई ऑपरेटर है पी माइनस का क्यू ए। सही है फ्रेंड्स, तो ये आपको यहां पर दिया हुआ है, ये आपके पास है एक फाई ऑपरेटर। यहां पर पी आपका मोमेंटम है और ए आपका यहां पर वेक्टर पोटेंशियल है। तो फ्रेंड, ये जो मेरे पास मोमेंटम ऑपरेटर है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं पी एक्स एक्स कैप प्लस, इसको मैं लिख सकता हूं पी वाई वाई कैप प्लस, इसको मैं लिख सकता हूं पी जेड जेड कैप। इसी तरीके से फ्रेंड, यहां पे आपके पास जो ए है, ए आपका वेक्टर पोटेंशियल है, यहां पर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ए एक्स एक्स कैप प्लस, ये हमारे पास ए वाई वाई कैप प्लस, इसको मैं लिख सकता हूं यहां पर ए जेड जेड कैप। तो पी तो आपका मोमेंटम ऑपरेटर है, तो हमने मोमेंटम को, अपना जो मोमेंटम वेक्टर है उसको हमने पी एक्स पी वाई पी जेड के फॉर्म में लिख लिया, और जो हमारा यहां पे मैग्नेटिक पोटेंशियल है, इसको भी मैंने ए एक्स ए वाई ए जेड के फॉर्म में लिख लिया है। अब आपको क्या करना है, अब फ्रेंड यहां पर आपको फाई क्रॉस फाई का जेड कंपोनेंट फाइंड करना है। तो हमको क्या फाइंड करना है, यहां पर लिख लेते हैं फाइंड जेड कंपोनेंट ऑफ फाई क्रॉस फाई ऑपरेटर। इसका यहां पर हमको फाई क्रॉस फाई का आपका जेड कंपोनेंट फाइंड करना है। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन। अब मैं क्या करूंगा, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहां पे लिख लेते हैं अपना फाई क्रॉस फाई इस तरीके से। तो ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट है, तो हम यहां पे इसको ऐसे करके लिख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हो जाएगा मेरे पास आपका एक्स, इसको हम यहां पे एक्स मान लेते हैं, ये मेरे पास है एक्स। तो अब यहां पे आपके पास जो फाई है, तो फ्रेंड फाई की वैल्यू क्या है, तो फाई की वैल्यू आपके पास है पी माइनस का क्यू ए, ये इस तरीके से है दिस। तो यहां पे हम पुट करेंगे तो एक्स वाले, तो एक्स वाले मेरे पास हो जाएंगे पी एक्स माइनस का क्यू, ये मेरे पास है ए एक्स। इसी तरीके से ये हो जाएगा पी एक्स माइनस क्यू, ये हमारे पास है ए एक्स। फिर आप यहां पे लिखेंगे वाई कंपोनेंट, तो वाई कंपोनेंट वाले हो जाएंगे पी वाई माइनस का क्यू, ये हमारे पास है ए वाई। फिर आप यहां पे लिखेंगे इसको पी वाई, ये हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा आपके पास ए वाई। इसी तरीके से फ्रेंड्स, आप यहां पे जेड कंपोनेंट लिखेंगे, ये हो जाएगा पी जेड माइनस का क्यू, ये हमारे पास है ए जेड, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे पी जेड माइनस का क्यू, ये हो जाएगा आपका ए जेड। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने इसको लिख लिया है। तो ये हो गया हमारे पास एक्स वाई जेड। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपको केवल क्या चाहिए, जेड कंपोनेंट चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे केवल जेड कंपोनेंट वाला पार्ट ले लेंगे। तो इस डिटरमिनेंट को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसका जेड कंपोनेंट, तो इसका जेड कंपोनेंट होगा वो होगा पाई क्रॉस
क्रॉस पाई वेक्टर, ये हमारे पास होगा इसका जेड कंपोनेंट इज इक्वल टू। और फ्रेंड यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा जेड कंपोनेंट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जेड कंपोनेंट, ये हमारे पास होगा ब्रैकेट। अब आप इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा पी एक्स माइनस का क्यू, ये हमारे पास है आपका ए एक्स। फिर आपके पास आएगा यहाँ पे पी वाई माइनस का क्यू, ये हमारे पास है ए वाई। अब आप इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस, आप इसको लिखेंगे पी वाई माइनस का क्यू, ये हमारे पास है ए वाई। और फिर आपके पास है यहाँ पर पी एक्स माइनस का क्यू, ये हमारे पास है ए एक्स, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका जेड कैप। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा पी एक्स, आप इसको लिखेंगे पी वाई। इसके इससे मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का क्यू, ये हमारे पास है पी एक्स, आप इसको लिखेंगे ए वाई। माइनस ये हो जाएगा आपका क्यू, तो यहाँ से ये यह आपके पास आएगा क्यू, ये आ जाएगा आपका ए एक्स, यहाँ से आ जाएगा पी वाई। प्लस ये हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर, आप इसको लिखेंगे ए एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास ए वाई माइनस। अब फ्रेंड माइनस करके यहाँ पे आप ब्रैकेट को क्लोज करेंगे अभी, अब इसका इससे करेंगे तो ये आ जाएगा पी वाई, आप इसको लिखेंगे पी एक्स माइनस, ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका क्यू, आप इसको लिखेंगे पी वाई, ये हो जाएगा आपका ए एक्स माइनस, ये हो जाएगा क्यू, आप इसको लिखेंगे यहाँ पे ए वाई, ये हो जाएगा आपका पी एक्स। प्लस ये हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर, आप इसको लिखेंगे यहाँ पे ए वाई, ये हो जाएगा आपका ए एक्स, ब्रैकेट क्लोज और पूरे का ब्रैकेट क्लोज। अब आप ना इनको यहाँ पे ओपन करेंगे तो फ्रेंड देखो ओपन करने में क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा पी एक्स, आप इसको लिखेंगे पी वाई माइनस का क्यू, ये हो जाएगा आपका पी एक्स, ये हमारे पास है आपका ए वाई। माइनस का क्यू, ये हो जाएगा आपका ए एक्स, ये हमारे पास है पी वाई। प्लस का ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, ये हमारे पास है ए एक्स, ये हमारे पास है ए वाई माइनस। अब आप देखेंगे यहाँ पे पी वाई, ये हमारे पास है पी एक्स, प्लस ये हो जाएगा आपका क्यू, ये हमारे पास है आप सॉरी, ये हो जाएगा आपका पी वाई, आप इसको लिखेंगे यहाँ पे ए एक्स। फिर आ जाएगा आपका प्लस, ये आपका है क्यू, आप इसको लिखेंगे यहाँ पे ए वाई, ये हो जाएगा आपका पी एक्स। माइनस ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, आप इसको लिखेंगे ए वाई, ये हो जाएगा हमारे पास ए एक्स दिस। अब फ्रेंड ये हमारे पास इस तरीके से चीज आ गई है। अब आप देखिए जो आपका कट रहा है इसको आप यहाँ पर काट सकते हैं इजिली। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर ये हमारा जो अब ये हमारे पास चीजें निकल कर आ गई हैं। तो फ्रेंड इससे आपका देखिए पी एक्स पी वाई ये हमारे पास है, तो अभी हम इसको ऐसे कट नहीं कर रहे, फिर आप कहेंगे सर आपने इसको डायरेक्ट कर दिया। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको यहाँ पे साइज से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस तरीके से, तो ये हमारे पास है। तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, अब आप देखिए, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ सबसे पहले, तो जैसे ये मेरे पास लिखा है पी एक्स, ये मेरे पास लिखा है पी वाई, आपने इसको साइज से मल्टीप्लाई करा, तो फ्रेंड आप इसको लिखेंगे यहाँ पे माइनस का आई एस कट, ये आपके पास है डेल अपॉन डेल एक्स। फिर आप इसको लिखेंगे माइनस का आई एच कट, ये हमारे पास है डेल अपॉन डेल वाई, और फिर आपके पास हो जाएगा साइन। अब आप इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का एच कट स्क्वायर, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर साइन अपॉन, आप इसको लिखोगे डेल एक्स डेल वाई, तो इस तरीके से लिखा जाएगा। अब फ्रेंड्स ये हमारे पास है आपका पी वाई, ये मेरे पास है पी एक्स दिस, तो यहाँ पे आप देखिए ये हो जाएगा माइनस का आई एच कट, ये मेरे पास है डेल अपॉन डेल वाई, माइनस का आई एच कट, ये मेरे पास है डेल अपॉन डेल एक्स, ये हो जाएगा साइन। और फ्रेंड आप इसको लिखेंगे यहाँ पे दिस, ये हो जाएगा आपका डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई डेल एक्स। तो फ्रेंड आप एक बात बताइए, इन दोनों का मतलब तो एक ही है ना, आपने अगर डबल इंटीग्रल पढ़ा होगा तो डबल इंटीग्रल में आप इसको पहले करो या इसके पहले करो, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो इसका मतलब है ये दोनों मेरे सेम है, ये दोनों आपके यहाँ पे सेम होंगे, तो मैं इनको यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकता हूँ, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो अब अगर मैं इसको यहाँ पे साइन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो फ्रेंड्स ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में कैंसिल हो गई, ये हमारे पास कैंसिल हो गए। फ्रेंड यहाँ पे आप देखेंगे ये मेरे पास है क्यू स्क्वायर ए एक्स ए वाई, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास है माइनस का क्यू स्क्वायर ए वाई ए एक्स, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास कितनी टर्म बची, तो एक फ्रेंड्स आपके पास ये बचा, एक आपके पास ये बचा, एक आपके पास यहां से ये बचा, और एक आपके पास ये बचा। तो इन टर्म को मैं यहाँ पे आगे करके लिख लेता हूं, तो देखिए ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे जेड स्क्वायर है ना, यहाँ पे आपके पास से दिस,
तो ये हमारे पास है जेड स्क्वायर, तो यहाँ पे आप इसको लिखेंगे जेड स्क्वायर, मैं दूसरे कलर से लिख लेता हूँ। तो ये मेरे पास है आपका जेड स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ पे आपके पास क्या बचा, तो फ्रेंड आपके पास यहाँ पे बचा है इस तरीके से माइनस का क्यू, ये हमारे पास है माइनस का क्यू, आप इसको लिखेंगे पी एक्स, मैंने इसको लिख लिया ए वाई, ये हमारे पास बचा है। फिर आपके पास बचा है माइनस, ये हमारे पास है माइनस का क्यू, ये हमारे पास है ए एक्स, और आपके पास क्या बचा है यहाँ पर पी वाई, ये मेरे पास बचा है आपका पी वाई। इसी तरीके से फ्रेंड्स आप देखेंगे तो ये मेरे पास बचा है क्यू पी वाई ए एक्स, तो ये हमारे पास है प्लस, ये हमारे पास है क्यू, ये हमारे पास है पी वाई पी ए एक्स, पी वाई ए एक्स है, हाँ ये हमारा पी वाई ए एक्स है। उसके बाद है प्लस, फिर आपके पास क्या बच रहा है यहाँ पे, तो आपके पास ये बच रहा है ए वाई पी एक्स, तो ये हमारे पास है आपका, ये हमारे पास है क्यू ए वाई पी एक्स, तो इस तरीके के ये हमारे पास चीजें बच रही हैं। यहाँ पे आप लगा देंगे इसको साइन। अब देखिए फ्रेंड ये हमारे पास इस तरीके से, तो ये हमारे पास क्या है आपका जेड स्क्वायर नहीं है, ये आपका जेड कैप है, तो आप यहाँ पे इसको लिखेंगे जेड कैप। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास है आपका जेड कैप, तो आप यहाँ पे इसको लिखेंगे जेड कैप दिस। अब आप क्या करेंगे, तो अब हम देखिए फ्रेंड ये साइन हमारे पास है, तो इसमें ये इस तरीके से चला जाएगा यहाँ पर, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस क्यू, यहां से आपके पास आ जाएगा माइनस का आई एच कट, ये हमारे पास है डेल अपॉन डेल साइन, ये हमारे पास इस तरीके से ये हो जाएगा आपका ए वाई साइन, इसको अंदर ले आए साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो जाएगा आपका क्यू, ये मेरे पास है ए एक्स, ये हो जाएगा माइनस का आई एच कट, ये मेरे पास है डेल अपॉन डेल वाई, यहां से ये आ जाएगा मेरे पास साइन, प्लस ये आपके पास है क्यू, आप इसको लिखेंगे माइनस का आई एच कट, ये मेरे पास है आपका डेल अपॉन डेल वाई, ये हो जाएगा हमारे पास ए एक्स, आप इसको लिखेंगे साइन, फिर आपके पास है प्लस, ये हो जाएगा आपका क्यू, आप इसको लिखेंगे यहाँ पे ए वाई, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर ए वाई, ये हो जाएगा माइनस का आई एच कट डेल अपॉन डेल एक्स, ये हमारे पास है साइन। तो इस तरीके से ये आपका डेल अपॉन डेल एक्स इंटू साइन है। तो फ्रेंड हमारे पास चीजें आ रखी हैं इस तरीके से। अब आप देखें यहाँ पे कितना कैसे कैसे काम होने वाला है। तो फ्रेंड ये तो आपके पास इस तरीके से रहेगा। अब आप देखिए ये हो जाएगा आपका क्यू, ये हमारे पास है आई एच कट, ये हो जाएगा आपका फ्रेंड्स डेल, आप इसको लिखेंगे डेल एक्स, ये मेरे पास है आपका ए वाई, यहां से आ जाएगा आपका साइन माइनस का, ये आपके पास हो जाएगा प्लस, आप इसको लिखेंगे यहाँ पे आई एच कट क्यू, ये मेरे पास है आपका ए एक्स, ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल वाई, आप इसको लिखेंगे यहाँ पे साइन माइनस, ये हो जाएगा आपके पास आई एच कट क्यू, ये हमारे पास है डेल अपॉन डेल वाई, आप इसको लिखेंगे यहाँ पर ए एक्स, ये हो जाएगा आपका साइन, ये आ जाएगा माइनस का आई एच कट, ये मेरे पास है क्यू, यहां से आपके पास हो जाएगा ए वाई, ये हो जाएगा डेल साइन अपॉन डेल एक्स ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरीके के फ्रेंड यहां पर वैल्यू आ रही है। अब आप क्या करेंगे, देखिए फ्रेंड्स यहां पर आपका डबल फंक्शन आ रहा है क्योंकि साइन खुद एक आपका यहाँ पे फंक्शन है, तो आप इसको करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ आपके पास जो इक्वेशन है ये मेरे पास है जेड। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर हम इसका डबल करेंगे, तो यह आपका ए वाई है, यह आपका है इस तरीके से। तो पहले तो सब में से आपका पूरा का पूरा माइनस का आई एच कट क्यू बाहर आ रहा है, तो हम यहां से इसको बाहर ले लेते हैं आई एच कट क्यू को, तो ये हो जाएगा आपका जेड कैप, आपका यहां से आई एच कट क्यू बाहर आ जाएगा इस तरीके से, ये बाहर ले लिया हमने। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर आप इसका डबल करेंगे, तो पहले तो मैं इसको ऐसे लिख लूंगा, ये हो जाएगा मेरे पास, आप इसको लिखेंगे यहाँ पे डेल साइन अपॉन डेल एक्स, फिर हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा साइन, आप इसको लिखेंगे यहाँ पे डेल ए वाई अपॉन, आप इसको लिखेंगे यहाँ पे डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स, तो ये हो जाएगा आपका डेल एक्स, ये भी मेरे पास क्या था वाई, क्लियर है। अब फ्रेंड आप इसको लिखेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा प्लस, तो आप यहाँ पे इसको लिखेंगे प्लस, ये मेरे पास कितना था आपका ए एक्स, ये हो जाएगा आपके पास ए एक्स डेल साइन अपॉन डेल वाई, आप इसको इस तरीके से लिखेंगे। फिर आपके पास ये था फ्रेंड्स, आप यहाँ पे इसको, अब इसके भी यहाँ पे देखिए डबल हो रहा है, तो यहाँ पर आपके पास हो रहा है माइनस, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे आप यहाँ पे, तो ब्रैकेट क्लोज ना भी करें तो माइनस का साइन है, तो माइनस के साइन में पहले आप इसको लिखेंगे यहाँ पे साइन, फिर आपके पास होगा डेल अपॉन डेल, आप देखिए ये हमारे पास कितना है, ये आपके पास हो जाएगा ए एक्स, तो ये आपके पास है ए एक्स अपॉन वाई, ये हो जाएगा माइनस, आप इसको लिखेंगे यहाँ पे ए एक्स,
ये हो जाएगा डेल साइन अपॉन डेल वाई इस तरीके से दिस। और फ्रेंड्स फिर आपके पास ये बच रहा है, ये हमारे पास है आपका प्लस, ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर प्लस का साइन है, ये हमारे पास सॉरी ये माइनस का साइन ही रहने वाला है, तो यहाँ पर ये आपका माइनस का साइन ही रहने वाला है इस तरीके से, तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर माइनस, और ये आपके पास क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा यहाँ पर ए वाई, ये मेरे पास है डेल साइन अपॉन डेल एक्स इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स आपका यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये हमारा इससे कैंसिल हो गया, आपका ए वाई से ए वाई कैंसिल हो रहा है, और फ्रेंड्स यहां से आप देख सकते हैं ये ए एक्स से आपका ये वाला कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, तो ये आपके पास बचा है जेड, ये आपके पास है आई एच कट क्यूब, ये हमारे अब देखिए फ्रेंड यहाँ से साइन कॉमन आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से ए वाई, ये आपके पास है माइनस का डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई, ये मेरे पास है साइन, तो इस तरीके का। अब फ्रेंड मैं आपको ना यहाँ पे फॉर्मूला बताता हूँ, जैसे कि आपको पता होगा कि बी मेरा क्या होता है डेल क्रॉस ए, तो इस तरीके से तो यहाँ पे लिख लेते हैं बी, ये मेरे पास हो जाएगा आपका एक्स कैप, ये मेरे पास है वाई कैप, ये मेरे पास है जेड कैप, ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स, ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल वाई, ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल जेड, ये मेरे पास हो जाएगा ए एक्स, ये मेरे पास हो जाएगा ए वाई, ये हो जाएगा मेरे पास ए जेड। अब अगर आपको यहाँ पे बी जेड चाहिए तो फ्रेंड बी जेड का मतलब है ये आपका होगा जेड कंपोनेंट और फ्रेंड्स ब्रैकेट, यहां से आपका क्या आएगा, तो ये आ जाएगा आपका डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस, ये आ जाएगा आपका डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई, तो फ्रेंड ये किसके इक्वल है आप देख सकते हैं, ये बी जेड के इक्वल है, तो यहां पर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा आपका आई एच कट क्यू, यहाँ पे ये किसके इक्वल है, ये आपका बी जेड के इक्वल है, ये पूरी की पूरी टर्म आपकी बी जेड के इक्वल आ रही है, तो ये हमारे पास है बी जेड के इक्वल दिस। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर, तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, एक बार अपने ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या है फ्रेंड इसके ऑप्शन देखिए, तो फ्रेंड ये तो नहीं हो सकता, काफी लंबा चौड़ा ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी नहीं हो सकता, एक बच्चा आपका माइनस में, ये हमारे पास है एक आपका प्लस में, तो प्लस में हमारा आंसर आ रहा है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है फोर, ये दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर नहीं होने वाले हैं, तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर इसको सॉल्व कर लिया, तो ये हमारे पास है इस क्वेश्चन का आंसर, मतलब जो आपका पाई क्रॉस पाई का जेड कंपोनेंट है वो आपके पास कितना है आई एच कट क्यू, ये हमारे पास है बी जेड, तो इस तरीके से ना आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा क्वेश्चन, और इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन डी यानी कि ऑप्शन फोर्थ, तो फ्रेंड ये था, तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट हमने यहाँ पे क्या करा है क्रॉस प्रोडक्ट करा है, थोड़े से वेरिएबल को आगे पीछे करें काटे हैं, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं ये हमारा आंसर कितना आ गया डी आ गया। तो फ्रेंड अगर ये सोल्यूशन आपको सही लगा हो लाइक कर देना, और अगर सही नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर देना, लेकिन वीडियो के ऊपर रिस्पॉन्स जरूर करना। आपसे मिलता हूँ मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कोर्स में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग, बाय बाय।